ছুটি দেখ রা হো কশমা দেখনা চাহতা হো আপনি আঁখো সে দোস্ত ঠিক হে তু এসে হি মরনা চাহতা হ্যাঁ তভি উসনে সিন্ধকা নে কাহা কে ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজি কো মে জারু ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজি কো মে জারু ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজি কো মে জারু হুকম দোষ্ট শুনে পাবে বিচ চিতা মে গীত আগে লগাবে প্রবেশ করা গই সয়াদু নে নহি দেখা বহ দৃশ্য চিতা মে আগ লগতে হি রাম রাম কহকে বেহোশ অবস্থা মে এধর ধ্যান দিজিয়ে মেরি মাতা বহনো মেরে ভাইও কে জবই আগ পড়ি অতি ভাগি জবই আগ বড়ি অতি ভাগি রাম নাম জপি লো ও তারি হরো রাম নাম কি কসম ভতিজে তুমি মানো কি ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজে তুমি মানো কি ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজে তুমি মানো কি ভিয়া দে দে মোকো হুকম ভতিজে তুমি মানো কি আগ বড়ি অগ্নি ঘেরাই গোদ মে বেঠা প্রহ্লাদ রাম 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 উচ্চারণ প্রভু কি মায়া কা পার কিছু নে প্রভু নে নাই ফিরে তীর লগাই প্রচন্ড দিও চলবাই ऐसा पवन चलवाया एक गांठ हवा की उस अग्नि में प्रवेश कर गई भगवान ने और शीतल हवा अग्नि के बीच प्रहलाद बैठ करके बाकी जारे से ठंडी से जैसे घोड़ी बजन कांपने लगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की और बाबे हवा की गांठ जो घूमी जो शीतल चुंदरी ओढ़ के बैठी काशिक अग्निदेव ने बुद्धि के जाते तू कसूरी दे उड़के कुमार उड़के चीर कुमार पे आयो उड़के चीर कुमार पे आयो वो गाठ बनी बाके शीश पे ते वो चुनरी उड़के और प्रहलाद कुवा में ऐसे कर लो बोलो विष्णु भगवान की उड़के चीर कुमार पे आयो उड़के चीर कुमार पे आयो प्रभु को काउ ने न पार ये पायो प्रभु को काउ ने न पार ये पायो सिंध का चल के हे गई भसम भतीजे तो मेरे मान हुई भैया ने वो को भतीजे को मैं नजारा देवता भी देख रहे हैं।
आकाश भक्त और भगवान की लीला करो। इधर लक्ष्मी जी देख रही हैं, अब उधर वो पूरा नगर देख रहा है। अग्नि शांत है गई, पछता को धीर बन गए राख को, लेकिन हृदय का सब मन में सोचन लगो कि सिंध का निकल के बोले बहन अरे वे सिंध का, अरे बहन बाहर आओ। अब वो सिंध का हो तो बोले बाबा के एकदम प्रहलाद फाड़ो भगवत भूषी हो रहा हूँ। बोलो पिताजी राम राम। अब तो हृदय कैसा बोला दुष्ट तेरे वास्ते मेरी बहन भी जल के भस्म हो गई, लेकिन तू नहीं मरा। अब सुबह नारायण तेरी सहायता करता है, लेकिन मेरे भय से मेरे सामने नहीं आता। चला दो इसे जकर लो। लेकिन वहां जो नजारा देख रहे थे ना राक्षस, वह धूल मिट्टी उठा करके अशुभ में फिर लक्ष्मी जी बोले भगवान जी कौन सी लीला है। बोले हे महादेव सिंध का ने अग्निदेव से वरदान प्राप्त किया था, तब अग्निदेव ने ये वचन भी दिया था सिंध का से, और ये कहा था कि जिस दिन धर्म के विरुद्ध अपना करके इसे प्रयोग करेगी तो तू जल के बच गई, और इधर तू धर्म की रक्षा के प्रति करेगी तो तेरी सहायता अग्निदेव करते रहे। लेकिन हे महादेवी ने वही किया, मेरा नाम जप रहा है और मेरे नाम जपने वाले को अग्निदेव का प्रश्न कर सकते। बोलो भक्तों शिव भगवान की, इसीलिए सिद्ध का जल करके भस्म हो गई। लेकिन हे लक्ष्मी यहाँ से इसने एक नया नाम और प्राप्त कर लिया। बोले आज के ही दिन पूरा नगर गांव मोहल्ला हर वर्ष ऐसे ही चिता बनाया करेंगे और उसे होलिका के नाम से कह करके जलाया, अपने नगर के पाप दोषों को उस अग्नि में जला के भस्म किया करेगा। उसी भस्मी को लेकर के सब लोग तिलक कर और आप उसमें मिल भेटेंगे और पिछली बातों को दुश्मनी को हटा के और प्यार के रास्ते पर चलेंगे। बोलिए वृंदावन में हरी लाल की। तो ये होली का पवित्र त्योहार चला है, वहीं से चला है ये मिलन होली समारोह, इसीलिए चली है कि जो भी उसमें दुश्मनी है आगे पीछे की वो सब उसको दूर कर देती है। वह मिट्टी जो सच्चे मन से हृदय से तिलक से लगाया जाता है उसे लेकर के उसे समझाया जाता है, एक दूसरे को प्रेम बांट करके दिया जाता है, वो यहाँ से ही शुरू हुआ है। बोलिए भक्तों शिव भगवान की। लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान ये तुम्हारी माला है, लेकिन गौर कीजिए माताओं बहनों मेरे भागवतों को कारागृह में उस डाल दिया काल कोठरी में, अब उस पर कोई उपाय नहीं बन रहा है, सोच रहा है कि कौन से यत्न से इसे मारू, और जब उसका नारायण आए तो फिर उससे भी मैं बदला लूं अपने भाई का। लेकिन उससे पहले उसी रात्रि में जो सिंधिका का पति विप्रचति बड़ा मायावी था, उसने विचार बनाया कि मेरी रानी इसकी खातिर जल के भस्म हो गई, लेकिन ये जला नहीं पर इस दुष्ट को मैं मारूंगा। अपनी माया से उस कारागृह से सोते हुए प्रहलाद को लेके चले गए कहां, समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर जाकर के मरने लगे हैं कि बोले दुष्ट तू अग्नि में थे तो बच गए हो, लेकिन जा मैं से तेरी छानू ना बचेगा। लक्ष्मी जी देख रही है बोले स्वामी भगवान देखो 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 क्या हुआ, जब बुआ तो बुआ जब बुआ बड़ो खराब बोले मेरे बेटा को देखो कहाँ लेके पहुंचो है, चलो चलो कुछ सहायता करो मेरे बेटा। लक्ष्मी जी कह रही है भगवान से सहायता करो। भगवान बोले हे लक्ष्मी तुम्हें पता है सब जगह मैंने तुम्हारे पुत्र की सहायता की और बिन बुलाही में अपने पुत्र को